हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्सिन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो सुपर टेट को निकल कर आई है। आपको हम बता दें, जितने भी बीएड और डीएलएड के छात्र हैं वो सभी लोग जो है पिछले 4-5 साल से वेट कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, लेकिन जो सरकार है उसके तरफ से ऐसे ऐसे आंकड़े रखे जा रहे हैं जो किसी के भी समझ से जो है एकदम से परे हैं। तो फिलहाल आज की मॉर्निंग अपडेट में ऐसी एक अपडेट है जिसको देखकर आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इस समय। तो फिलहाल चलिए हम देखते हैं कि क्या है इसमें अपडेट। चलिए गए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीएससी पैट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आपकी संपूर्ण गाइड आपको मिल जाएगा। इस गाइड में आपको 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर मिलेगा जो कि 2022 के सहित है। साथ ही साथ यहां पर आप देख लीजिए, जो यहां पर विज्ञापन संख्या 7 उसके सिलेबस के अनुसार यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो बुक है आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, सभी बुक स्टोर पर। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। हर एक चीज यहां पर दिया गया है, कौन कौन सा यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहां पर चले आइए, मतलब कंप्लीट गाइड है। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको यहां पर कंप्लीट गाइड भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाते हैं जो कि 2022 का प्रैक्टिस सेट है। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त तरीके से आपको मिल जाता है। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यूपी टीएससी पैट 2023 की जो गाइड है वो भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इसका प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लीजिए। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बिना किसी भर्ती के, ये देखिए, कम हो गए शिक्षकों के 1,39,000 पद, बिना किसी भर्ती के इतने पद आपके कम हो गए। यहाँ पर क्या बताया गया, सुनिए यहाँ पर ध्यान से लिखा, उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की संख्या एक साल में 1,39,000 कम हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में 2 अगस्त को प्रस्तुत किया। जवाब में 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना दी गई। इसके मुताबिक 2021-22 में जहां शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 थी, वहीं 2022-23 में 5,79,622 रह गई। साफ है कि एक साल में ही पदों की संख्या 1,39,777 कम हो गई। यानी ये यहां पर सबसे बड़ी अपडेट है, बिना किसी भर्ती के, यानी ये बताएगा कि जो हमारे पास पदों की संख्या 7,19,399 होनी चाहिए थी वो 5,79,622 हो गई। और इसका यहां पर जो रीजन बताया गया वो ये बताया गया है कि छात्रों ने इस बार एडमिशन कम लिया, इसलिए शिक्षकों के पद ऑलरेडी कम हो गए हैं। तो मतलब इसी प्रकार से अगर शिक्षकों के पद कम होते रहेंगे तो फिर भर्ती करने की उनको क्या हो सकता है भाई, वो ऐसे ही पद कम करते रहेंगे, क्या मतलब बनता है उन चीज का। यहां पर बताया गया कि पदों की संख्या कम होने का सीधा असर शिक्षकों के रिक्त पद पर देखने को मिलता है। ये देखिए, 2021-22 में रिक्त पदों की संख्या जहां 2,65,805 थी, वहीं 2022-23 में घटकर 1,26,028 हो गई है। देखो, इसमें अच्छी अपडेट बस यही है कि अभी भी बेसिक विभाग में 1,26,000 पद जो हैं वो खाली हैं। बाकी इसमें बुरी खबर ये है कि जो पद 2,65,000 खाली थे वो बिना किसी भर्ती के 1,26,000 हो गए हैं। यानी ऑलरेडी 1,39,000 पद आपके ऑलरेडी कम हो चुके हैं बिना किसी भर्ती के। तो यहाँ पर देखिए जो इन्होंने रीजन दिया है, विजय किरण आनंद जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रों का सत्यापन आधार संख्या के कराने के कारण नामांकन कम हुआ है, उसके कारण ही शिक्षकों की पदवी जो है यहां पर कम हो गए हैं। ठीक है, और इंदुभाल तिवारी जिन्होंने नई भर्ती के लिए हाईकोर्ट में याचिका दिया, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE के अनुसार किन्हीं भी परिस्थिति में कुल सृजित पदों के सापेक्ष 10% से अधिक सीटों को रिक्त नहीं रखा जा सकता है, जबकि विभिन्न जनपदों से प्राप्त डाटा के अनुसार लगभग प्रत्येक जिला में 35 से 48% पद रिक्त हैं। 4.5 साल से नई भर्ती नहीं आने के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखो, पद तो बहुत खाली है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भर्ती आनी चाहिए, लेकिन होता क्या कि यहाँ पर केवल गेम खेला जा रहा है। शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर करना है, नए शिक्षा सेवा आयोग की बात करनी है, और ये सब करते करते 1,39,000 पद जो है ऑलरेडी इनके कम हो चुके हैं बिना किसी भर्ती के। और यहां पर आप देखिए, यहां पर पूरा डाटा भी दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। लिखा है शैक्षिक सत्र में कितने पद रिक्त थे 2020 से,
2020-21 में 1,94,000 पद रिक्त थे, 2021-22 में 2,65,000 पद रिक्त थे। मतलब इतने पद रिक्त होने के बावजूद भी भर्ती नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2022-23 में अपने आप 1,39,000 पद घट चुके हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे की तरफ, आप लोग इसके बारे में जरूर बताएं इस अपडेट से आप पर क्या असर पड़ रहा है। बीएड बीटीसी छात्र हैं तो आपको गुस्सा ही आ रही होगी और कुछ नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली अपडेट है एसएससी सीएचएसएल को लेकर के अपडेट है। सीएचएसएल का रिजल्ट कल शाम को जारी कर दिया गया है। 3242 पदों पर जो छात्र हैं वो चयनित हुए हैं, और यहाँ पर बताया गया कि सीएचएसएल एग्जाम 2022 का अंतिम परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, विभागों और मंत्रालयों में 3242 पदों पर अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई है। इनमें अनारक्षित वर्ग में 1411, ओबीसी 770, एससी 482, ईडब्ल्यूएस 345 और एसटी के 234 पद इसमें शामिल हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। अगली अपडेट है यूपीपीएससी से, जिसमें ये बताया गया है कि 2 माह में आएंगे विज्ञापन, होंगी परीक्षाएं। तो यहाँ पर कौन कौन से विज्ञापन आएंगे उनके बारे में वहाँ पर बात की गई है कि भर्तियों के परिणाम आने की उम्मीद है। यूपीपीएससी 2600 से अधिक पदों पर कर रहा भर्ती की तैयारी। भर्तियों के लिहाज से 2 माह काफ़ी अहम होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2600 से अधिक नए पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। आयोग अगस्त और सितंबर के महीने में कई नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और भर्तियों के परिणाम जारी होंगे और इंटरव्यू एवं लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बताया गया कि अगले 2 महीने में अगस्त और सितंबर में आपको जो है यहाँ पर कई सारे भर्ती देखने को मिलेंगे। पीसीएसजे की बात की गई है, इसने बताया गया कि 303 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 16 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जो 28 अगस्त को पूरे होंगे। ऐसे में सितंबर के मध्य तक पीसीएसजे भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी होने की उम्मीद है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और मेन भर्ती जो आने वाली है उसके बारे में यहाँ पर बता दें, लिखा है यूपीपीएससी अगस्त के दूसरे सप्ताह में विभिन्न भर्तियों के लिए विज्ञापन भी जारी करने जा रहा है। इनमें स्टाफ नर्स के 2240 पद, स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पद, सहायक नगर नियोजन के 24 पद, सहायक रसायन के 2 पद, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 54 पद और होम्योपैथिक प्रोफेसर के 27 पद और प्रशिक्षण विभाग राज्य नियोजन संस्थान में उप निदेशक के 1 पद। तो ये भर्ती यहाँ पर यूपीपीएससी से होने वाली है। वहीं पर और बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि आयोग की ओर से कुछ दिनों पहले यह सूचना थी कि जारी की गई थी कि एक भविष्य में एपीएस भर्ती यानी सहायक अधिकारी, एपीएस भर्ती, आरओ एआरओ भर्ती, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा आदि के विज्ञापन भी संभावित हैं। तो अगले 2 महीने में आपको एपीएस, आरओ एआरओ, स्टाफ नर्स, ये सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं जो यूपीपीएससी की तरफ से जारी की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली अपडेट जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की तरफ से, आपको पता होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में इसको लेकर के वैकेंसी आ रही है। किसी डिस्ट्रिक्ट में पहले विज्ञापन आ रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में टाइम लग रहा है, किसी में लगातार आ रहे हैं। तो यहाँ पर गाजीपुर से जो विज्ञापन है उसको जारी कर दिया गया है और 28 अगस्त तक आप लोग इसके फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा विज्ञापन पढ़ना है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, आप लोग जाकर वहाँ पर इस पूरे विज्ञापन को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए टोटल पद कितने हैं पूरे यहाँ पर। गणित के यहाँ पर टोटल 11 पद हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के 8 हैं, अंग्रेजी के 5 हैं, सामाजिक विषय के 3 हैं, हिंदी के 8 हैं, कंप्यूटर के 4 हैं, कला एवं क्राफ्ट के 3 हैं, शारीरिक शिक्षा के 2 हैं, लेखाकार के 5 हैं। तो इन सभी की एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। कहाँ कहाँ फॉर्म भरना दिया, फॉर्म जमा करना है, वो सब यहाँ पर दिया है, आप इनको पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट अपडेट, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।